तो हे गाइस, वेलकम मेरे चैनल सो गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे घर में मोनो जीरो इरेजर बना सकते हो। सो इसके लिए आपको पहले एक इरेजर चाहिए होगा और एक पेन चाहिए होगा और एक पेन का रिफिल और एक नाइफ चाहिए होगा, ठीक है। और इस सब को जो है गाइस आप लोगों को ले लेना पड़ेगा इन चार चीज़ों को। और उसके बाद जो है यहाँ पर पेन का ये वाला होल देख सकते हो, इस होल को जो है इरेजर के एकदम एज में लगा देंगे। उन लोगों को ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करके जो है यहाँ पर एक स्पॉट बना लेना है। और उस स्पॉट को जो है गाइस आप लोगों को जो है गाइस कैंची या फिर नाइफ से आप लोग काट सकते हो, आप लोग काट लेना है आप लोगों। और उसके बाद मैं आगे पास फास्ट कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को मिलता हूँ। तो बस काट के तो यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर जो है आपको अच्छे से जाएगा इसको घुसा लेना है यहाँ पर। और एक रिफिल लेके ये पीछे वाले ढक्कन को खोल के आप लोग को जो है रिफिल आप लोग अंदर घुसा लेना है। और आप लोग घुसाने के बाद जो है गैस यहाँ पर आप थोड़ा सा गैस अच्छे क्वालिटी का इरेजर ले लेना, नहीं तो जो है गैस आपका ड्राइंग है गैस ख़राब भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो है घुसा गया हूँ, थोड़ा सा टाइट कर लेना। और रिफिल को जो है गाइस मेजर अच्छे से मेजरमेंट लेके जो है गाइस आप लोगों को कट कर लेना चाहिए होगा, नहीं तो आपको काफ़ी सारी दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर जो है गाइस मैं आपको पहले जो है गाइस यहाँ पर अभी दिखाऊंगा, पहले मैं गाइस नॉर्मल इरेजर यूज़ करूँगा और उसके बाद जो है गाइस ये होममेड मोनो जीरो इरेजर हम लोग यूज़ करेंगे। पहले यहाँ पर जो है 10B का एक लेयर दे देते हैं। पहले यहाँ पर जो है गैस एक टोम सॉरी यहाँ पर 10B का जो है गैस यहाँ पर एक लेयर दे दिया है मैंने। और अभी जो है ये चारकोल का सॉफ्ट वाला पेंसिल का एक ज़्यादा डार्क लेयर लेंगे और थोड़ा सा लाइट लेयर लेंगे। और उसके बाद आप लोग देखना कैसे इरेज होता है। Thank you.